बच्चों बहुत स्वागत है आप लोगों का आज की क्लास में। मैं हूं आपका केमिस्ट्री टीचर सुनील यादव। बच्चों मैं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आज आपके साथ हूं। बच्चों मेरा टॉपिक आज जो मैंने लिया है वो है तार्किक प्रश्न संग्रह। बच्चों बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न है, ये तार्किक प्रश्न है जो अध्याय के बीच में है ना। सामान्यतः किसी टॉपिक को कोरिलेट नहीं करते, लेकिन जब आप देखेंगे कि मार्केट में जब आप देखेंगे ना कि आपके पास कुछ परीक्षा अध्ययन, परीक्षा बोध, परीक्षा प्रबोध और इस तरह की जो अलग अलग तरह की जो गाइड है आपके पढ़ने की सुविधा के लिए आप मार्केट में अवेलेबल होती हैं, तो ऐसी पुस्तकों में इस तरह के प्रश्नों का एक बहुत ही अच्छा संग्रह होता है और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं ये। बच्चों जिनके आंसर आपकी पाठ्य पुस्तक में उतने सटीक तरीके से नहीं होते, होते हैं लेकिन आप बिंदुवत ना होने की वजह से आप उनको उतनी अच्छे तरह से नहीं निकाल पाते, तो इसीलिए मैंने इन प्रश्नों को भी आपके सामने लेने का प्रयास किया है और ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो बच्चों अंत तक वीडियो को पूरा देखिएगा, बिना स्किप किए देखिएगा, ठीक है। तो मैंने यहां पर कुछ प्रश्न लिए हैं बच्चों। पहला प्रश्न मैंने आपके सामने लिया हुआ है पीसीएल फाइव ज्ञात है जबकि एनसीएल5 अज्ञात है। बच्चों कहने का मतलब यह है कि नाइट्रोजन के जो पेंटाहेलाइड है ना, तो नाइट्रोजन के जो पेंटाहेलाइड है वो पॉसिबल नहीं है, मतलब वो कभी नहीं बनते, जबकि उसी वर्ग के जो अन्य पेंटाहेलाइड हैं जैसे फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, विस्मित, तो इनके पेंटाहेलाइड जो है वो पॉसिबल होते हैं। इसीलिए एक बहुत साधारण सा ये प्रश्न यहां पर हमारे सामने आता है कि NCl5 ज्ञात है और PCl5 ज्ञात है और NCl5 अज्ञात है, क्यों? तो ये पहला प्रश्न है। बच्चों मैंने इसमें दूसरा जो प्रश्न लिया हुआ है H2O द्रव है जबकि H2S गैस। H2O और H2S दोनों ही, जिसमें जो केंद्रीय परमाणु है ऑक्सीजन और सल्फर, दोनों ही एक ही वर्ग के तत्व हैं जो कि हाइड्रोजन से क्रिया करके हाइड्राइड बना रहे हैं। यानी जल भी एक हाइड्राइड और सल्फर जो हाइड्रोजन सल्फाइड है वो भी एक हाइड्राइड है। बच्चों फिर भी एक की भौतिक अवस्था जो है वो तरल है, वो लिक्विड है, जबकि दूसरे की जो भौतिक अवस्था वो गैस है, तो इनमें यह डिफरेंस क्यों है? हम इस प्रश्न के उत्तर के बारे में भी जानेंगे। बच्चों एक महत्वपूर्ण चीज, तीसरा प्रश्न आपके सामने है जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लास्ट ईयर भी एग्जाम में पूछा गया है और संभावना इस बार भी इस प्रश्न के आने की सबसे प्रबल है, आ सकता है एग्जाम में, तो ध्यान दीजिए। बच्चों अंतर हेलोजन यौगिक किसे कहते हैं? अंतर हेलोजन यौगिक किसे कहते हैं? बच्चों इसके निर्माण का कारण भी आपको मैंने पूछा हुआ है या मैं आपको बताना चाहूंगा और फिर मैंने यहां पर इसके प्रकार की भी बात कर रखी है। तो बच्चों ये तीन महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, एक एक करके हम इन सभी प्रश्नों के संदर्भ में जानकारी लेंगे। तो बच्चों जो पहला प्रश्न है वो आपके सामने मेंशन कर देता हूं। पहला प्रश्न है PCl5 ज्ञात जबकि NCl5 अज्ञात है। प्रश्न में मैंने आपसे पूछा क्यों है ऐसा, हमको इसकी जानकारी देनी है। बच्चों बहुत अच्छी तरह से और ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको सबसे पहले यह बता दूं कि NCl5 क्यों अज्ञात है। तो बच्चों NCl5 में जो केंद्रीय परमाणु है, वो नाइट्रोजन है। बच्चों नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाऊं तो ये हो जाएगा 1s2, 2s2 और 2p3। बच्चों क्योंकि मुख्य क्वांटम संख्या का अधिकतम मान कितना आ रहा है? 2 आ रहा है और हम देख सकते हैं कि नाइट्रोजन के केस में इसके पास हम कह सकते हैं कि जो रिक्त डी ऑर्बिटल है ना, रिक्त डी ऑर्बिटल, तो इसके पास रिक्त डी ऑर्बिटल का क्या होता है? अभाव होता है। यानी साधारण सी बात में यह कहना चाहता हूं कि NCl5 में जो केंद्रीय परमाणु है नाइट्रोजन, उसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से हमको पता चलता है कि उसके पास रिक्त डी ऑर्बिटल का अभाव है, उसके पास कोई भी रिक्त डी ऑर्बिटल उपलब्ध नहीं है। बच्चों जबकि इसके अंतिम संयोजी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो बच्चों इसमें 3 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके -3 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करने की प्रबल प्रवृत्ति होती है, लेकिन इसमें कोई भी धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्था जैसे कि +5 संभव नहीं होती, क्योंकि इसके पास क्या मौजूद नहीं है बच्चों? रिक्त डी ऑर्बिटल मौजूद नहीं है। तो बहुत अच्छी तरह से समझिए कि जो नाइट्रोजन है वो
माइनस तीन ऑक्सीकरण अवस्था में ही अधिक स्थायी यौगिक बनाने का प्रयास करेगा, जबकि इसके पास वीकेंट डी ऑर्बिटल उपलब्ध ही नहीं है, तो यह प्लस फाइव जैसी ऑक्सीकरण अवस्था को प्रदर्शित करने में असमर्थ होगा। और यही एक सबसे महत्वपूर्ण रीजन है बच्चों कि जो NCl5 जैसे यौगिक हैं ये अज्ञात हैं, या हम ऐसा कहते हैं कि जो नाइट्रोजन है वो NCl5 जैसे पेंटाहैलाइड का निर्माण नहीं कर पाएगा। वहीं पर जबकि इसी वर्ग के यानी नाइट्रोजन परिवार के ही अगर हम दूसरे तत्वों को ले लें, जैसे मैंने लिया नाइट्रोजन को फास्फोरस को, तो बच्चों PCl5 जैसे यौगिक ज्ञात हैं। इनके ज्ञात होने का पहला कारण कि फास्फोरस PCl5 में फास्फोरस केंद्रीय परमाणु, इसका परमाणु क्रमांक 15 है। बच्चों इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के अनुसार 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p3। तो बच्चों यहां पर मुख्य क्वांटम संख्या का अधिकतम मान कितना आ रहा है? 3 आ रहा है। बच्चों मुख्य क्वांटम संख्या का मान 3 है और इसीलिए यहां पर रिक्त डी ऑर्बिटल है ना, तो जो रिक्त डी ऑर्बिटल होगा वो उपलब्ध होंगे। अब यहां पर अगर रिक्त डी ऑर्बिटल उपलब्ध है तो सीधी सी बात है इनके अंतिम कोश में भी 5 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इनमें भी 3 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करने की प्रबल प्रवृत्ति होगी। ये बच्चों 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके -3 ऑक्सीकरण अवस्था तो प्रदर्शित कर पाएंगे। ध्यान से सुनिएगा मेरी बातों को, ये 3 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करेंगे और -3 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित कर पाएंगे। लेकिन बच्चों इनमें चूंकि रिक्त डी ऑर्बिटल भी उपलब्ध है और इसीलिए इनमें +5 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करने का गुण भी उपलब्ध होगा या मौजूद होगा, और यही एक महत्वपूर्ण कारण भी है कि PCl5 या पेंटाहैलाइड जैसे यौगिक ज्ञात होते हैं। तो बच्चों मैंने आपको पहले प्रश्न के बारे में बताया कि NCl5 अज्ञात है जबकि PCl5 ज्ञात है। होप सो आप इस प्रश्न के संदर्भ को बहुत अच्छी तरह से समझ गए होंगे। बच्चों केवल इस वीडियो को काफी बार देखिए और फिर आपकी जो भी है ना एक आंसर बुक है उनको बहुत अच्छी तरह से एक बार रीड कीजिए, आप इस प्रश्न के संदर्भ में समझेंगे। बच्चों अगला प्रश्न जो मैंने इसमें लिया हुआ था, अगला प्रश्न ध्यान से देखिए, अगला प्रश्न था H2O द्रव जबकि H2S गैस है, क्यों? तो बच्चों H2O द्रव जबकि H2S गैस है, तो सबसे पहले समझिए कि H2O में बच्चों हमारा जो केंद्रीय परमाणु है वो ऑक्सीजन है, केंद्रीय परमाणु ऑक्सीजन है। और बच्चों ऑक्सीजन की विद्युत ऋणात्मकता बच्चों ऑक्सीजन की विद्युत ऋणात्मकता कैसी होती है? उच्च होती है। अब प्रश्न ये उठता है ये उच्च किसकी तुलना में होती है? तो बच्चों हम यहां पर तुलना करने वाले हैं उसकी H2S से। H2S में जो केंद्रीय परमाणु है हमारा वो है सल्फर, और बच्चों सल्फर की जो विद्युत ऋणात्मकता है ये ऑक्सीजन की तुलना में कैसी होती है? ये निम्न होती है। यानी जब हम ऑक्सीजन की विद्युत ऋणात्मकता की बात कर रहे हैं तो वो उच्च है, जबकि H2S में सल्फर की विद्युत ऋणात्मकता की तुलना हम ऑक्सीजन से कर रहे हैं तो उसके कंपैरिजन में ये कैसी है? निम्न है। बच्चों जिसकी विद्युत ऋणात्मकता उच्च है सीधी सी बात है कि वो कैसा होगा? वो एक ध्रुवीय अणु होगा, और एक ध्रुवीय अणु दूसरे ध्रुवीय अणु के साथ बहुत ही सरलता से ये हाइड्रोजन बंध क्या कर सकता है बच्चों? स्थापित कर सकता है, ये हाइड्रोजन बंध बना सकता है। और बच्चों अगर ये हाइड्रोजन बंध बनाएगा तो सीधी सी बात है इसके अणुओं के बीच में संगुलन स्टार्ट हो जाएगा और उनसे भौतिक अवस्था जो प्राप्त होगी वो तरल होगी। यानी जो जल है तो जल के अणु में ऑक्सीजन परमाणु की विद्युत ऋणात्मकता उच्च है सल्फर की तुलना में बच्चों, और यही वजह कि ये एक ध्रुवीय अणु है। एक ध्रुवीय अणु अपने ही समान दूसरे ध्रुवीय अणुओं के साथ सरलता पूर्वक जुड़कर हाइड्रोजन बंध का निर्माण करेगा, और हाइड्रोजन बंध स्थापित होने से वो संगठित होगा, धीरे धीरे उनमें जुड़ाव की प्रक्रिया बढ़ने लगेगी और उससे जो भौतिक अवस्था प्राप्त होगी वो तरल के रूप में आ जाएगा, वो लिक्विड हो जाएगा। आगे मेरी बात समझ में आपको? बच्चों वहीं पर जबकि H2S में जो सल्फर का परमाणु है उसकी विद्युत ऋणात्मकता ऑक्सीजन की तुलना में बहुत ही कम है, अतः इसके अणुओं में ध्रुवीय गुण नहीं होता, और यही वजह कि इसके अणु ध्रुवीय ना होने की वजह से हाइड्रोजन बंध स्थापित नहीं कर पाएंगे। और बच्चों चूंकि उनमें हाइड्रोजन बंध का अभाव होगा वो हाइड्रोजन बंध बनाने में असमर्थ होंगे, और यही वजह एक महत्वपूर्ण भी है कि जो H2S है वो केवल गैसीय अवस्था को प्राप्त होंगे, उनमें संगठन की प्रक्रिया नहीं होगी। बच्चों तीसरा महत्वपूर्ण प्रश्न मैंने आपके सामने जो लिया था वो था अंतरा हेलोजन यौगिक। बच्चों बहुत अच्छी तरह से समझिए कि अंतरा हेलोजन यौगिक क्या होते हैं। बच्चों अगर हम आवर्त सारणी की बात करें तो आवर्त सारणी में 17th
है ना, 17th वर्ग के जो तत्व हैं बच्चों, जिनमें जिनको मैं एक्स से रिप्रेजेंट करता हूं, उनमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टाटिन जैसे तत्व शामिल हैं। बच्चों एस्टाटिन एक रेडियो एक्टिव तत्व है, ये रेडियो एक्टिव है, ठीक है। इस रेडियो एक्टिव तत्व को अगर मैं छोड़ दूं तो शेष ये जो तत्व है इनको हम कहते हैं ये हेलोजन है, ये हेलोजन है, ठीक है बच्चों। इन हेलोजन में, इन हेलोजन तत्वों में जब मैं फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता, ठीक है ना, फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता की तुलना शेष तत्वों से कर दूं, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन से कर दूं, तो मैं ये बता दूं कि फ्लोरीन की जो विद्युत ऋणात्मकता इन सभी से कैसी होती है, उच्च होती है। आई बात समझ में? और बच्चों यही वजह है कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन से, यानी अपने ही ग्रुप के इन तत्वों से संयोजित होकर वो क्या करने लगती है, वो यौगिक का निर्माण करने लगती है। इस तरह बच्चों 17वें वर्ग के ये जो तत्व है ना, 17th वर्ग के, जिनको हमने हेलोजन कहा, तो इन तत्वों में अपने ही वर्ग के तत्वों से क्रिया करके यौगिक बनाने की प्रवृत्ति होती है। और चूंकि 17वें वर्ग के तत्वों को हम हेलोजन कहते हैं, और यही वजह है क्योंकि वो अपने ही ग्रुप के साथ मिलकर यौगिक बना रहे हैं, यौगिक का निर्माण कर रहे हैं, इसीलिए बच्चों हमने इनको क्या नाम दिया हुआ है, अंतरा हेलोजन यौगिक, ठीक है बच्चों। अंतरा हेलोजन यौगिक बनने का कारण महत्वपूर्ण है, और वो कारण यह है कि जब हम देख रहे हैं कि फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता शेष तत्वों की विद्युत ऋणात्मकता से बहुत ज्यादा है। एक उदाहरण के तौर पर जस्ट कुछ न्यूमेरिक वैल्यू लेकर आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर मान लेते हैं कि फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता 100 है, तो यहां पर बाकी शेष जो है क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनकी विद्युत ऋणात्मकता केवल 10 होगी, तो इनकी विद्युत ऋणात्मकताओं में लगभग 90 का अंतर होता है, यानी जो अंतर है वो बहुत ज्यादा होता है। और यही वजह कि इनके अंदर प्रवृत्ति आ जाती है कि जो उच्च विद्युत ऋणी तत्व है वो निम्न विद्युत ऋणी तत्वों के साथ संयोजित होकर यौगिक का निर्माण करने लगता है, जिनको हमने अंतर हेलोजन यौगिक की श्रेणी में रखा। बच्चों अंतर हेलोजन यौगिक में मैंने आपको प्रकारों के बारे में भी बताया था, तो बच्चों याद रखिए कि जो अंतर हेलोजन यौगिक है, अंतरा हेलोजन यौगिक, तो बच्चों अंतर हेलोजन यौगिक को हम ए बी एन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं बच्चों। जहां पे मैं आपको एन के बारे में बताऊंगा, एन की वैल्यू 1 हो सकती है, एन की वैल्यू 3 हो सकती है, 5 हो सकती है, और बच्चों 7 हो सकती है, ठीक है। एन की वैल्यू जब आप 1 रखेंगे तो आपको ए बी टाइप के अंतर हेलोजन यौगिक मिलेंगे, जब आप 3 रखेंगे तो ए बी 3 टाइप के मिलेंगे, जब आप नेक्स्ट रखेंगे तो ये ए बी 5 टाइप के मिलेंगे, और बच्चों जब आप नेक्स्ट वैल्यू रखेंगे तो आपको ए बी 7 टाइप के मिलेंगे। बच्चों इनको बोलते हैं डाई एटोमिक अंतर हेलोजन यौगिक, ये कहलाते हैं टेट्रा एटोमिक, ये कहलाते हैं हेक्सा एटोमिक, और ये कहलाते हैं ऑक्टा एटोमिक। तो बच्चों इस तरह से ये 4 तरह के हमारे पास अंतर हेलोजन यौगिक होते हैं। तो बच्चों आज मैंने आपको तार्किक प्रश्न के संग्रह के बारे में बताया, और मैंने आपको टॉपिक्स कोरिलेट करके दिए। बच्चों इसी तरह के कुछ और भी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ आपसे बहुत जल्दी मुलाकात होगी, तब तक अपना ख्याल रखिए।